इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। मटना कोई मुश्किल बात नहीं। जो कई बार खिलाफ वर्जियां कर चुका है, आज बौखलाहट में एक और कार्रवाई भारत ने की, लेकिन खुशकिस्मती से अक्वामे मुत्तहिदा का मुबशर मिशन मुकम्मल तौर पर महफूज रहा। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं, पाकिस्तान की हुकूमत का मौकफ जानने की कोशिश करते हैं। मुईद यूसुफ साहब, मुशीर बराए कौमी सलामती, हमारे साथ मौजूद हैं। मुईद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो कार्रवाई आज भारत ने की है, बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि अक्वामे मुत्तहिदा मुबशर मिशन के दोनों अहलकार महफूज रहे। ये भारत का मकसद क्या है ऐसी कार्रवाइयाँ करने का? देखिए जी, हमारे नज़दीक तो जो उनके इस वक्त अंदरूनी मामलात हैं सारी दुनिया के सामने, जो कमजोरियां उनकी अब सारी दुनिया भी देख रही है, जो उनका फेक प्रोपेगेंडा की मशीनरी पकड़ी गई है, जो हमने डोसियर सारा उनको स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म सारी दुनिया को अब बता दिया, जिसपे दुनिया के उनके जो हलीफ ममालिक हैं वो भी खामोश हैं, उनके पास भी जवाब कोई नहीं है उसके बाद, तो शायद बौखला गए हैं। ये चाह रहे हैं कि किसी तरह डाइवर्ट हो अटेंशन दुनिया की, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती डाइवर्ट होगी किस तरह। मतलब कोई कार्रवाई करेंगे तो क्या पाकिस्तान सोता रहेगा, या कोई और कोई उस दिन क्या नारा होगा पाकिस्तान में कि वो देखेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, हम क्या क्या करेंगे? हम वही करेंगे जो 2019 में हुआ है और उससे भी ज्यादा करेंगे। एक पायलट यहाँ था, मिनते करते रहे वापस लेने के लिए, हमने खुद गुडविल में वॉलंटरली दिया। अब क्या अगली दफा फिर अपनी इसी तरह बेइज्जती कराना चाहते हैं? तो पता नहीं, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ये आइडियोलॉजिकल सोच जो होती है ना जी, जब बिल्कुल एक रियासत जो है वो एक कॉन्फ्रेंटेशनल आइडियोलॉजी, एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी पे चलना शुरू हो जाए, तो वो फिर इस तरह की हरकतें करती है और फिर उसका और एक माफिया का डिस्टिंक्शन करना नामुमकिन हो जाता है। मुझे लगता है मामला वहां पहुंच गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने बड़ा वाज़े कहा कि भारत अपने पार्टनर्स की इजाजत का मुंतजर है सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। तो ये किन पार्टनर्स की जानिब शाह साहब इशारा कर रहे हैं? कौन से मुल्क हैं अभी भी ऐसे दुनिया में जो इस तरह के हालात के बाद, भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने आने के बाद भी भारत के पार्टनर्स बने हुए? देखिए, मुनासिब नहीं होगा कि मैं आपको नाम लूं इस वक्त। दुनिया के बहुत से ममालिक हैं, हमारे भी जरा अच्छे ताल्लुकात बहुत से ममालिक से होते हैं, लेकिन आप इससे बस अंदाजा लगा लें कि वस्ती दुनिया में ये ऐसी हरकत पहले भारत करता रहा है। ऐसी बात करता है कि दुनिया समझे कि बड़ा विक्टिम है और फिर दुनिया कहे जी कि ये तो इनका राइट है। लेकिन क्या दुनिया भी इतनी अहमकाना बात पे खड़ी हो सकती है कि एक न्यूक्लियर रीजन में कोई कह रहा है कि कोई हुआ कुछ नहीं? चले पहले तो एक झूठ बोलते थे ना, कोई किया कि जी वो देखे अटैक हुआ था इसलिए, अभी क्या हुआ है जिसके लिए ये ऐसी बात करेंगे? तो ये अपने अंदरूनी मामलात को कोशिश कर रहे हैं हल करने की इस तरह, और बिल्कुल बेवकूफ़ वाली बात है। अभी चीन से मार खाई है, पिछले साल मेरे से मार खाई हमारे से, और उसके बाद अब एक और अगला स्टेप जो है फिर से पता नहीं, या तो आदत पड़ती है अपनी बेइज्जती कराने। तो मुझे जाहिर है कि अब पाकिस्तान तो एक अमन पसंद मुल्क है, इस अमन की ख्वाहिश को शायद भारत पाकिस्तान की कमजोरी समझता है, जिसमें जाहिर कोई हकीकत नहीं है। अब पाकिस्तान की इस तरह के वाकयात के बाद फिर आगे क्या स्ट्रेटेजी है, क्या हिकमत अमली है, अब गवर्नमेंट किन लाइन पर सोच रही है? तो मैंने पहले भी ये कहा है कि ये भारत जो है वो अब अपने हलीफों के लिए भी एक लाइबिलिटी बन गया है, और इनको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। जो पहले कहते थे ना काउंटर वेट टू चाइना, वो अपना ही काउंटर कर रहा है, इसलिए चीन तो बड़ी दूर की बात है। बिल्कुल, अक्वामे मुत्तहिदा अगर अब भी नहीं इसका नोटिस लेगी तो कब लेगी? बहरहाल हमारे जो वहाँ मुस्तकिल मंदूब हैं वो ये उन्मोगिब के वाक़े को आज ही वहाँ उठाएंगे, लेके जाएंगे और फॉर्मली लेके जाएंगे। अपने ऑफिशियल्स को, अपनी गाड़ियों को तो अक्वामे मुत्तहिदा डिफेंड करेगा ना, और तो ये भी पता करे फिर कि कहाँ से वो गोली चली और क्यों चली। हम नहीं करते वो कर ले, ईयू लैब हमारी तो नहीं है वो जिसने ये सारा कुछ दिखाया। तो अब तो दुनिया बोल रही है ना, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, और हम जितने भी एवेन्यूज हमारे पास। लेकिन मुझे सब जाहिर है कि भारत की इस वक्त कोशिश है कि किसी तरह खित्ते के अमन को खराब किया जाए। पाकिस्तान इस वक्त खित्ते के अमन को कायम रखना चाहता है। अब ये कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त पाकिस्तान के लिए कि खित्ते के अमन को कायम रखे और मामला शिद्दत पसंदी की तरफ भी ना जाए?
चैलेंज ये है जी, चैलेंज ये है क्योंकि वजीर आजम साहब की बिल्कुल वाज़ह हिदायत है कि पाकिस्तान का फोकस अमन और इस खत्ते की सलामती है, लेकिन साथ ये भी वाजे हो कि ये कमजोरी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप प्रवोक करेंगे तो जवाब मिलेगा और पिछली दफा जो मिला था उससे ज्यादा मिलेगा, ये भी बिल्कुल बात जहन में रहे। तो हम तो चाहते हैं अमन, लेकिन अगर मजबूर हमें किया जाएगा तो फिर उसका जवाब भी वैसा ही होगा। सही, तो अब मुई साहब, ज़ाहिर है डिसइन्फो रिपोर्ट सामने आई लैब की और वो पूरी दुनिया के सामने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब हुआ, ये उसके बाद की बौखलाहट में आज का वाकया हुआ है या भारत चूंकि खित्ते का आम तो खराब करना ही चाहता है, ये उसकी प्लानिंग का कोई हिस्सा था जो आज जो कुछ हुआ है? ये इंफॉर्मेशन तो पहले इस तरह की आती रहती है, पहले बड़ी दफा ये बात हमने पब्लिकली की। खत्म, आप यहाँ से वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने अबू धाबी यूएई में बैठकर एक बयान दिया कि भारत हम पर कर सकता है सर्जिकल स्ट्राइक और किसानों का जो मुद्दा है उससे हटा सकता है ध्यान। अब सोच सकते हैं आप, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इस तरीके की थर्ड ग्रेड डिग्री की बात कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं इनका लेवल क्या है। और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बयान उस जगह पर दिया जहां पर वह गए थे काम कराने के लिए, पाकिस्तानियों के वीज़ा फिर से, इन्हें पाकिस्तानियों को वीज़ा मिलने लगे, पाकिस्तानियों को पासपोर्ट इशू होने लगे, वर्क परमिट मिलने लगे, लेकिन वहाँ पर उन्हें मिला बाबा जी का ठुल्लू। यूएई और सऊदी अरेबिया, आपको पता है, पाकिस्तानियों पर लगा चुकी है बैन, पाकिस्तानियों को नया पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, वर्क परमिट नहीं मिल रहा है, इतने रिश्ते ख़राब है यूएई और सऊदी अरेबिया के पाकिस्तान के साथ। तो ये मामला सुलझाने गए थे वो वाला, और उन्हें वहाँ पे मिला बाबा जी का ठुल्लू, तो उन्होंने बोला अब मौके पर कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो पाकिस्तान में मुंह क्या दिखाऊंगा। तो उन्होंने वहाँ पर एक कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस, दो चार पाकिस्तान के जो चिंदी चोर जर्नलिस्ट होते हैं उनको लेकर गए, वहीं पर लगाया माइक और बोले भैया पाकिस्तान पे कभी भी कर सकता है भारत तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक। मतलब आप समझ सकते हो, आप इनका ये लेबल है, और इस तरीके की बात कर मतलब अपना दौरा थोड़ा बहुत सक्सेसफुल कर लें कि यूएई में हमने ऐसी कुछ बात की। हालांकि यूएई इस पे डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन लेगा, ज़रूर लेगा, क्योंकि भारत और यूएई के रिश्ते आपको पता है कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो उस जगह पर जाकर आप भारत की बुराई करते हो, भारत के खिलाफ ऐसा कुछ बोलते हो, तो डेफिनेटली यूएई का कुछ एक्शन बनेगा, उसका इनको रिएक्शन मिलेगा आने वाले टाइम में। और आपने सुना मोईद यूसुफ को, आपको पता है मोईद यूसुफ इंटेलेक्चुअल थे जब इमरान खान गवर्नमेंट नहीं थी उसके पहले, अब इमरान खान गवर्नमेंट आ गई, ये डबल नेशनल है, इमरान खान गवर्नमेंट का हिस्सा भी है, और अब इनकी बातें सुनकर लगता है कि ये वही वाले बंदे हैं जो आपको पाकिस्तान में आमतौर पर मिलते हैं। मोईद यूसुफ ने बताया कि भारत ऐसा करेगा वैसा करेगा, यूएन की गाड़ी को ठोक दिया, यूएन की गाड़ियों पर गोलियां बरसा दी। हालांकि इंडियन आर्मी ने कल अपने, मतलब इंडियन आर्मी के जो स्पोक पर्सन, उन्होंने बोला कि ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया, यूएन की गाड़ी पर हमला नहीं किया। और आपको बता दूं कि यूएन की गाड़ी पर हमला पहली बार नहीं हुआ है पाकिस्तान साइड में, ये कई बार हुआ है। मतलब ये पाकिस्तान अच्छा प्लान करता है, यूएन की गाड़ी पर खुद ही गोली चलाता है जिससे ये मुद्दा दुनिया में उठ जाए, कहीं ना कहीं से पता चल जाए कि यूएन की गाड़ी पर कुछ, यूएन डिप्लोमेट्स पर या यूएन के जो ऑफिशियल हैं उन पर कोई अटैक हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा दुनिया में उठ जाए और पाकिस्तान भारत को इसी तरीके से बदनाम करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, आपने मोईद यूसुफ को सुना, आपको समझ में आ गया होगा कि इनका भी इंटेलेक्चुअलिज्म जो है वो पूरा पूरा गायब हो चुका है, और ये यूएस बेस्ड पाकिस्तानी है। इनको लेकर काफ़ी सवाल उठे थे कि ये डबल नेशनल होकर कैसे पाकिस्तान में मंत्री बन सकते हैं, हालांकि ऐसा कानून पाकिस्तान में हो सकता है, इंडिया में तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं दी एंड, आपसे रहेगी रिक्वेस्ट, अगर आपने वीडियो देखा और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट बॉक्स में अगर अपने आप सुझाव शेयर करना चाहते हैं तो करें, गालियां देना चाहते हैं तो दें। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद।